एक्सिक्यूटिव देखिए यहाँ पर हम अभी प्रस्तुति करने वाले हैं। पहले हम फंडामेंटल्स को दिखाएंगे। यहाँ पर दोनों में एक एक्सट्रीम पावर होती है। ये एक पैगिक है जो कि बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम प्रस्तुत करते हैं फ्लाइंग की, जिसमें एक छोटा व्यक्ति भी एक ऊंचे व्यक्ति को भी कैसे आसानी से मार सकता है। इसके बाद है सेल्फ डिफेंस, जो कि छोटे बच्चों ने प्रस्तुत किया है। तेजस, तेजस। ये चीजें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये अनुरोध करूंगा हर बच्चे हर गर्ल्स को ये सीखना चाहिए। ये एक प्रदर्शन है, रियलिटी शो नहीं सर। तो अगर किसी को लग गया बहुत बड़े चोट आएगी, इसलिए जैसे दिखाया है इसको आप मजा हल्के में मत लीजिए। बहुत ही भयानक चीज है। इसके बाद है बोर्ड ब्रेकिंग। देखिए एक लकड़ी का पटरा है, कैसे ये पंच के या किक के द्वारा इसको तोड़ते हैं। सोच लीजिए जब एक पटरा तोड़ सकता है आदमी के हड्डी पसली की क्या होगा। नहीं इसके बाद आता है फ्लाइंग किक कि आप उछल के कैसे दूर के व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं। कौन आएगा यार। ओके वो भी नीचे बैठे हंस रहे। इसके बाद पूरा एक बार फिर प्रस्तुत है सेल्फ डिफेंस टेक्निक। अब बारी आती सर तीन बोर्ड तोड़ने की। क्या तीन बोर्ड? तीन बोर्ड एक साथ। कौन तोड़ेगा? ब्लैक बेल्ट शायद।
ये भी एक सेल्फ डिफेंस है। यहाँ पर एक राउंड किक प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि इसका पावर देखिएगा, स्पीड और पावर, इसमें दो चीजें बहुत मैटर करती है। पुनः एक बार एक सेल्फ डिफेंस। डिफेंस जैकेट तो पहनी नहीं है। इसके बाद सर प्रस्तुत करने वाले हैं चौकोन। ये एक कुंसी है जो कि एक टर्न के लिए किया जाता है। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो कि बहुत सीनियर पर्सन करते हैं, एक टर्न वाले। इसके बाद है ब्रेक्स ब्रेकिंग। आप ब्रेक के टूटने से आप पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति ताइक्वांडो टीम की, यादव जी और आपकी टीम भाई की बात रहे। आपने तो ये बोल के बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल डरा ही दिया था। ये तो तीन तीन ईटा फोड़ दिए हैं। और इस तनाव पे मैं यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, अंडरलाइटर साहिब, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, यादव जी जरा पता लगाएं, चुनाव है क्या। बहुत अच्छी प्रस्तुति ताइक्वांडो टीम की। हमारे बीच अब